हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के बारे में बात करेंगे। एसएससी जीडी के लिए हम मैथ का क्लास शुरू ही किए थे, और जैसा कि सभी को पता है कि एग्जाम कैलेंडर जो एसएससी का था उसमें एसएससी जीडी की भर्ती दिसंबर में आने वाली थी, लेकिन कल अचानक से 27 अक्टूबर को एसएससी जीडी की जो है नोटिफिकेशन आउट कर दी गई, और उसमें पहले एग्जाम आपका 5 अप्रैल में होना था, अब जो एग्जाम है ये जनवरी में कराया जाएगा। तो ये भर्ती काफ़ी जल्दी आई है, भर्ती थोड़ी कम आई है, कम आई है, लेकिन उससे ये फ़ायदा भी होने वाला है। आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा ये भी हम आपको बताएंगे, और इसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मतलब कब तक डेट है, फिजिकल में क्या होगा, कितनी पोस्ट है, किस विभाग में कितना पोस्ट है, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए एक एक करके सभी चीज़ों को देख लेते हैं। और सबसे देखिए महत्वपूर्ण बात यह है इस वैकेंसी में, इसमें एग्जाम का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, और उसमें टाइमिंग भी कम कर दी गई है। तो इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे कि इसको मैनेज कैसे करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि फॉर्म की तिथि क्या है। तो देखिए कल यानी कि 27 अक्टूबर 2022 को ये फॉर्म भरना जो है स्टार्ट हो गया, 27 अक्टूबर 2022 से, और ये 30 नवंबर 2022 तक फॉर्म भरा जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले जो देखिए पिछली वाली जो भर्ती आई थी 26,000, उसमें 1.5 महीने का समय दिया गया था, लेकिन इसमें आपको सिर्फ 1 महीने के समय दिए जा रहे हैं, 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा, 1 महीने का समय, यानी कि फॉर्म भराने की भी जगह बहुत जल्दी है। और देखिए एग्जाम और फॉर्म भराने के बीच में आपका अंतर सिर्फ 1 महीने, जैसे नवंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा और दिसंबर गैप करके जनवरी में ही आपका पेपर क्लियर कराया जाएगा। तो देखिए इस भर्ती को लेकर के सरकार बहुत तेजी में है, ये भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। भले ही 24,000 वैकेंसी है, लेकिन इसको आपको देखने में बहुत ही फायदा होगा। आइए उसके बाद देखिए फीस जमा करने की जो अंतिम तिथि की गई है 1/12/2022, ये सब आपको सरकारी रिजल्ट पे या फिर किसी भी वेबसाइट से जाके भरें, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर उसके बाद देखिए परीक्षा की तिथि जो दी गई है, इस बारे में हम बात करें तो ये जनवरी 2023 यानी ये जनवरी, देखिए आपका जनवरी में किसी भी महीने में स्टार्ट हो सकता है, हो सकता है आपका 1 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाए, 1 जनवरी से ही आपका पेपर स्टार्ट हो जाए। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि देखिए जब भी आपका एग्जाम, ऐसा तो है नहीं कि बहुत कम फॉर्म पड़ते हैं, एसएससी जीडी को जो है पिछली बार 72 लाख फॉर्म पड़े थे, कितना, 72 लाख, ठीक, पिछली बार 72 लाख, 72 लाख। इस बार तो आयु सीमा में भी छूट दे दिया गया है, अब आयु में भी छूट दिया गया है, इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है ये कहीं 1 करोड़ तक फॉर्म ना चला जाए। क्योंकि देखिए पिछली बार क्या है, आयु सीमा में छूट नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार 3 साल 4 साल इस तरह से छूट दिए गए हैं, अभी उस पर अभी हम आते हैं कि कितना छूट दिया गया है। तो आयु में भी छूट दिया गया, तो इस बार फॉर्म की संख्या ज़्यादा होगी। और देखिए और फॉर्म की संख्या अगर ज़्यादा होगी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनवरी 2023 दिया है, ये ना कि 2 जनवरी फरवरी दिया गया है, तो ये हो सकता है कि एक ही महीने में इनका एग्जाम कराने का टारगेट हो जनवरी में ही। और अगर जनवरी में ही टारगेट होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, 1 जनवरी से भी स्टार्ट हो सकता है इनका फॉर्म। तो आप देखिए आपके पास समय बहुत कम बचेगा, आपके पास नवंबर बचेगा, नवंबर और दिसंबर 2 महीने आपको तैयारी करने के लिए बचेंगे, तो इसको टारगेट करके हमें फोकस करना है। ये सब चीज़ें हम आगे आपको बताते रहेंगे कि कैसे तैयारी करना है, क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें, कौन सी बुक पढ़नी है, सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आइए अभी आगे देख लेते हैं कि कौन से विभाग में कितने पोस्ट दिए गए हैं। तो देखिए एसएससी जीडी में आपका सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो है बीएसएफ में, 10,497 पोस्ट बीएसएफ में, तो जिसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट। फिर उसके बाद देखिए सीआईएसएफ, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है एसएससी जीडी की, जिसको बच्चे ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं, उसमें केवल 100 पोस्ट आए हैं, 100 पोस्ट आए हैं, पिछली बार जो है 5,000 से ज़्यादा पोस्ट थे, लेकिन इस बार केवल 100 पोस्ट हैं। फिर आती है सीआरपीएफ, पिछली बार इसमें वैकेंसी नहीं थी, लेकिन इस बार इसमें 8,911 पोस्ट डाले गए हैं। एसएसबी है, एसएसबी में आपका 1,284 पोस्ट हैं एसएसबी में। फिर आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जिसको बोलते हैं, इसमें 1,613 पोस्ट हैं। असम राइफल जिसको बोलते हैं, इसमें आपका 1,697 पोस्ट हैं। एसएसएफ जो कि एक बहुत ही अच्छी भर्ती मानी जाती है इसकी, इसमें 103 पोस्ट हैं। और देखिए ये पिछली बार नहीं था एनसीबी, इसको नया जोड़ा गया है, इसमें 164 पोस्ट है, ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है एनसीबी। इसके बाद देखिए कैसे प्रीफर करना है ये भी हम आपको बताते रहेंगे। तो सबसे हमारे हिसाब से तो सबसे अच्छी भर्ती जो है आपकी एनसीबी रहने वाली है, उसके बाद एसएसएफ रहने वाली है, उसके बाद इनमें से आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को देखिए टोटल अगर हम इन सभी को जोड़ लें तो टोटल भर्ती आपकी कितनी हो रही है, 24,369 पोस्ट, यानी कि पिछली बार से भी कम। पिछली बार जो है 26,000 प्लस वैकेंसी थी, लेकिन इस बार क्या है, 24,369 पोस्ट है केवल। अब आइए बात कर लेते हैं कि आयु सीमा क्या होने वाली है, उम्र मतलब कितनी होने वाली है। तो देखिए
उम्र आपका जो भी है 1/1/2023 को, यानी कि आपका जनवरी 2023 को, 1 जनवरी 2023 को 18 से 23 वर्ष उम्र आपकी होनी चाहिए। अब इसमें छूट आपका जो दिया गया है, ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल और एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट मिलती है। इसके अलावा भी आपको छूट दी गई है, 2 से 3 साल का एक्सटर्नल छूट मिलने वाला है। अभी वो जो है नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसलिए अभी हम उसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं एग्जामिनेशन क्वालिफिक मतलब जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए एक चीज़ और मेजर चेंजेस किया गया है, पहले जो है पास करता था SC/GDE 11 गुना बच्चों के लिए फिजिकल के लिए, और लेकिन अब पास करेगा 8 गुना, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी कि 11। चलिए यहीं पे बता देते हैं, पहले देखिए SC/GDE फिजिकल के लिए 11 गुना बच्चों को पास करता था, लेकिन अब करेगा 8 गुना, और मेडिकल के लिए ये पास करते थे लगभग 3 गुना, 3 साढ़े 3 गुना बच्चों को पास करते थे, 3 से 3.5 गुना बच्चों को, लेकिन अब ये 2 गुना पास करने वाले, ये भी ये नोटिफिकेशन में क्लियर कर रखे हैं। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए अगर आप 1/1/2000 यानी 1 जनवरी 2023 तक अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। केवल केवल 10वीं मांगता है और कोई भी नहीं, आप हायर एजुकेशन में कोई भी डिग्री लगा सकते हैं जो भी आपके पास हो। बाकी आपका NCC/SEE के लिए 5% जो है छूट मिलेगा, मतलब नंबर आपके ऐड हो जाएंगे 5%। अभी हम आपको बताएंगे कि ये 8 मार्क और कितने मार्क होने वाले हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो है परीक्षा में चेंजिंग कर दिया गया है। पहले 100 नंबर का था तो आपका 5% यानी 5 नंबर जुड़ते थे, लेकिन अब ये परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें बदलाव हुआ है, अभी उसको हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जान लीजिए NCC/SEE के लिए 5% का जो है आपका नंबर मिलने वाला है, बी के लिए 3% और ए के लिए 2%, ये आपको मिलने वाले हैं। अब आइए स्कीम पे चलते हैं। स्कीम जो कि आपका ये दिया गया है, क्या बोलते हैं कि क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे आपके और कितने नंबर के होंगे, कितना टाइम मिलने वाला है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो कि जैसा कि पिछली बार GD में मतलब हमेशा रहा है कि रीजनिंग आपका पूछा जाता था, GK पूछा जाता था, मैथ पूछा जाता था, और इंग्लिश या हिंदी में से कोई आपको एक करना होता है। या तो आप हिंदी प्रीफर कर सकते हैं या आप इंग्लिश कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो हिंदी को आपको टच नहीं करना होता है। एक भी क्वेश्चन अगर आपने हिंदी को टच कर दिया तो आपका इंग्लिश नहीं माने होगा, या फिर इंग्लिश को टच कर दिया तो हिंदी, दोनों माने नहीं होंगे। अगर दोनों में से एक भी क्वेश्चन को आपको इधर उधर टच कर रहे हैं तो दोनों माने नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही को करना होता है। अगर आप हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी को, इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश को। देखिए पहले ये 25-25 क्वेश्चन होते थे, रीजनिंग से 25, मैथ से 25, GK से 25, हिंदी से 25 या इंग्लिश से 25। लेकिन अब क्या किया, ये मेजर चेंजिंग है कि आपको पहले 20-20 क्वेश्चन कर दिया गया, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 GK, 20 मैथ और 20 हिंदी या इंग्लिश। तो देखिए अब यहाँ पे ये बात नहीं है कि घटा दिया क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन को आपको कम कर दिया, बात यहाँ पे आके रुकती है। पहले आपको मिलते थे 90 मिनट, कितने मिनट, 90 मिनट मिलते थे, लेकिन अब आपको मिलेंगे 60 मिनट, केवल और केवल 60 मिनट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन कितने घटे, आपको 5-5 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन घटाया है, लेकिन जो आपका टाइमिंग घटाया है ये 30 मिनट घटा दिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब टाइमिंग आपको मैनेज करना पड़ेगा, स्पीड आपको बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि आधे घंटे में 20 क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते थे, आपको बहुत ही अच्छा समय मिलता था। अगर एक बार यहाँ पे अब क्या है, 1 घंटे में अगर आपका एक बार टाइमिंग खराब हुआ तो आपका पेपर खराब हो सकता है, इस बात को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इस बात पे हम चर्चा करेंगे अभी कि कैसे हम इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। 90 मिनट के बजाय आपको अगर पेपर अब 60 मिनट में देना है तो क्या ऐसा करना पड़ेगा। देखिए समय भी आपके पास सिर्फ 2 ही महीने के बचे हैं, तो क्या करना पड़ेगा वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्पीड को मेंटेन करेंगे। क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपके टोटल 80 बन रहे हैं, 80 क्वेश्चन बन रहे हैं और 60 मिनट आपके पास है। पहले आपका 100 क्वेश्चन 90 मिनट होता था, ठीक, तो टाइमिंग आपका कम कर दिया गया है। पहले आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता था, लेकिन अब यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर के होंगे, यानी 20 × 40 40 40 यानी 160 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। और देखिए एक छोटी सी आप लोगों को मिस्टेक हो सकती है, पहले 1/4 जो है माइनस मार्किंग रहती थी, जिसको 0.25 का बोलते थे, लेकिन अब क्या माइनस मार्किंग आपका हो गया है 0.5 हो गया है। तो देखिए पहले नंबर आपके 1 होते थे इसलिए 0.25 होता था, अब आपके नंबर 2 हो गए, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के हो गए तो 0.5 माइनस मार्किंग हो गई, यानी 1/4 तब भी थी और 1/4 अब भी है, तो इसमें माइनस मार्किंग में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। बस आपके प्रत्येक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के हो गए हैं और बाकी टाइम आपका घटा दिया गया आधा घंटे, अब आपको 1 घंटे में ही पेपर देना होगा। ठीक है आगे आपके क्या है, माइनस मार्किंग आपका 0.5 हो गया है, पहले आपका 0.25 था, कोई दिक्कत नहीं, 1/4 था, 1/4 अब भी है, पहले 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन था तो 1/4 0.25 होता था, अब 2 नंबर का होगा तो 1/4 करेंगे तो 0.5 होगा, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए, अब आते हैं आप फिजिकल पे। फिजिकल देखिए, फिजिकल के लिए आपके मेल कैंडिडेट के लिए आपको दिया गया था कि ये 5 5 किलोमीटर दौड़ना रहता था 24 मिनट में, वो अब भी है 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है। लड़कियों के लिए यानी फीमेल के लिए 1600 मीटर दौड़ना रहता है 8.5 मीटर में। 1600 मीटर जो है आपको दौड़ना रहता है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, वो पहले था आज भी वही है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। हाइट अगर देखा जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई। और चेस्ट की बात किया जाए तो फीमेल का चेस्ट नहीं लिया जाता है, मेल का चेस्ट 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला करके 85 सेंटीमीटर। तो ये जानकारी थी एसएससी जीडी के लिए करके। अब देखिए, अब सबसे बेहतर एक बात हमने आपसे कहा कि इस पर हम डिस्कस करेंगे कि हमें तैयारी किससे कैसे करनी है कि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रामबाण तरीका है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस बोले तो मॉक टेस्ट। जितना ज़्यादा हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितना ज़्यादा स्पीड, अब 1 घंटे में आपका पेपर है तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि 1 घंटे के पेपर टेस्ट पेपर को आप कोशिश करें, जब भी आप अपने मॉक टेस्ट लगाएं तो आप 40 मिनट से 45 मिनट में ही लगाने की कोशिश करें। चाहे क्वेश्चन आपके पूरे अटेंड हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, बस आप कोशिश करें अलार्म आप लगाएं 40 से 45 मिनट में पूरे पेपर को सॉल्व करने के। अगर 10 से 15 मिनट आप यहाँ नहीं बचा के चलेंगे तो एग्जाम में आप नहीं बचा पाएंगे, ये मान के चलिए। मेरा तो यही अनुभव रहा है, पिछली बार 1.5 घंटे का पेपर रहता था तो मैं मॉक टेस्ट जब लगाता था तो 1 घंटे में लगाता था, 1 घंटे में लगाता था और मैं पूरा कंप्लीट 100 क्वेश्चन कर भी ले जाता था। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो छूट जाते थे, जिसको हम बाद में चेक करते थे कि ये क्यों छूटा और कैसे छूटा, उसको हम बाद में एनालिसिस कर लेते थे, लेकिन लगाना हमको 1 ही घंटे में था चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह से आपको भी करना है कि अगर अब 1 घंटे का हो गया है तो आपको क्या करना है, समय आपको कम लगाना है यहाँ मॉक टेस्ट, बाकी 1 घंटे आपको एग्जाम में तो मिलने ही मिलने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप कोशिश करें 40 से 45 मिनट में पूरा मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करें, और जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आप सिलेक्शन के करीब जाएंगे। वैकेंसी देखिए 24,000 है, वैकेंसी कम है, थोड़ी दुख की बात है। आप उम्मीद ज़्यादा लोग कर रहे थे 70,000, कोई वीडियो देखिए अलग अलग तरह के बना बना के यूट्यूब पे 70,000 वैकेंसी, 80,000 वैकेंसी, 1 लाख वैकेंसी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक आपको खुशी की बात ये हो सकती है, जहाँ तक मेरा अनुमान है 24 में आपका 2024 में आपका चुनाव है प्रधानमंत्री का, जो कि केंद्र की वैकेंसी भी है, 2024 में चुनाव है। और यहाँ पे हम अगर देख सकते हैं एक पॉइंट कि ये वैकेंसी क्या दिसंबर में आने वाली थी, लेकिन आ गई आपका अक्टूबर में ही। आपका एग्जाम होने वाला था मार्च अप्रैल में, लेकिन एग्जाम कब हो गया, जनवरी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वैकेंसी 2023 तक होने वाली है कंप्लीट, 2023 में हो जाएगी कंप्लीट। और फिर जैसे ही देखिए 2021 में इन्होंने वैकेंसी निकाला, 2021 में निकाले 26,000, फिर 2022 में आपके आ गया 24,000, फिर हो सकता है कि 2023 के लास्ट तक ये फिर कुछ वैकेंसी निकाल दें, क्योंकि 2024 में है चुनाव, ज़्यादा से ज़्यादा ये वैकेंसी दिखाने के मूड में है। तो एक तरफ ये थोड़ी सी दुख की बात है कि 24,000 वैकेंसी, लेकिन एक तरफ खुशी की बात है कि अगर जो सीरियस पिछले वाले 26,000 वाले में थोड़े से चूके होंगे, इनमें मौका मिलेगा, इसमें जो चूक जाएंगे उनको अगले वैकेंसी में मौका मिल जाएगा। हर साल आपको वैकेंसी देखने को मिल रही, इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। तो ये जानकारी थी एसएससी जीडी को लेकर के। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।